वी कैन इंस्पायर की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है. अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू. इन दिस वीडियो वी शुड ट्राई टू लर्न हाउ टू स्टैंड बिफोर एन ऑडियंस और हाउ टू स्टैंड ऑन अ स्टेज. इस वीडियो में हम लोग यह सीखने के प्रयास करेंगे कि स्टेज में कैसे खड़े हों. खड़े होने की प्रक्रिया कई प्रकार की होंगी. अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग तरीके से खड़े होना पड़ेगा. हम लोग यह सीखने का कोशिश करेंगे कि कैसे कम से कम तीन तरह के सिचुएशन में कैसे खड़े हों. ओके, लेट्स बिगिन. हाउ आर यू? ओके, रिलैक्स. अभी कैसे कैसे खड़े हो जाता है? या तो हाथ ऐसे करके ऐसे ठीक है, हाथ पैर थोड़ा सा सेपरेट, ये रिलैक्स पोजीशन है. शोल्डर एकदम रिलैक्स होना, ये एक पोजीशन में खड़े होने का. दूसरा पोजीशन है स्लाइटली पॉम्प और अंडरबॉडी, और ये हल्का एकदम बिल्कुल साइड में, लेकिन पूरा हाथ सीधा नहीं, हल्का एकदम छोड़ दो, पूरा सीधा कर दो. ये नहीं कि टाइट कर दो, स्टिफ नहीं, नॉर्मल होना चाहिए. नॉर्मल ठीक है, ऐसे नॉर्मल. ये सेकेंड टाइम. थर्ड टाइम में थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करो, पीछे ना, ये थर्ड टाइम. तो तीन प्रकार से खड़ा हुआ जा सकता है. ओके, फिर है आप स्टेप वन, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करो. स्टेप टू, स्टेप थ्री, ये तीन स्टेप है खड़े होने ठीक है. चलो, थैंक यू. सो फ्रेंड्स, यू सॉ दैट देयर आर थ्री वेज ऑफ स्टैंडिंग बिफोर एन ऑडियंस, स्पेशली व्हेन यू आर सपोज टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. खास करके जब आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे. तीन स्टेप आपने देखा मिस्टर बेनेगल को भी दिखाया. तो इंपॉर्टेंट क्या है, आपका हाथ कहाँ पर है, दूसरा आपका पांव कितना सेपरेट है, और जब आप हाथ पीछे रखेंगे तब आपके पांव थोड़े से और सेपरेट होने चाहिए, सो दैट आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं. ओके, थैंक यू.